तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पुतंदर और मेरे साथ हैं प्रवेश और ओके पाजी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान मिलिट्री पावर वर्सेस टर्किश मिलिट्री पावर 2021। तो वीडियो देखकर पता चलेगा किसकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे कोई आइडिया है तुमको? मेरे हिसाब से शायद पाकिस्तान की आर्मी हो सकती है नंबर्स के मामले में, बाकी टर्किश मिलिट्री वीडियो में देखते हैं भाई क्या होता है, बाकी वीडियो में पता चलेगा। चलो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद अंकारा करोड़ की 600 साढ़े 600 13 बिलियन डिफेंस बजट 20 बिलियन उनका ज्यादा है। और अभी तक क्या टर्की का मिलिट्री पावर रैंक सेम ही है, लगभग 6.5 लाख मिलिट्री पावर और 3.5 लाख फौजी नंबर के मामले में पाकिस्तान आगे। 440 फाइटर एयरक्राफ्ट, 288 डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट, 90 और 48 काफ़ी ज़्यादा है। नंबर के मामले में पाकिस्तान हेलीकॉप्टर 390-600 लगभग डबल। न्यूक्लियर पावर कंट्री है, देख भी नहीं है। बैटल टैंक 2600-3000 कॉम्पिटिशन नेक टू नेक है। कभी वो ऊपर जा रहे हैं, कभी ये ऊपर जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास, इंडिया के पास है। दूसरा अभी होने वाला है नेवल वॉरशिप 9-16 ठीक है, नेवी ताकतवर 2 और 10 ठीक है। डिस्ट्रॉयर 0 इंडिया के पास है। सबमरीन 9 और 12 ठीक है। तो देखिए यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं मुझे क्या दिखा इस वीडियो से। तो देखो, जहां तक बात रही जो आर्मी की बात होती है लैंड फोर्स, तो दोनों कंट्रीज का आपस में बॉर्डर नहीं लगता और पाकिस्तान उस मामले में स्ट्रॉन्ग थी टर्की से, टैंक्स वगैरह आर्टिलरी वगैरह उसमें और मेंस में उनकी गिनती में ज्यादा था पाकिस्तान। पर दोनों कंट्रीज का आपस में बॉर्डर लगता ही नहीं, तो अगर फाइट होती भी है तो ऑब्वियसली वो टैंक्स वगैरह तो काम आएंगे, एयरक्राफ्ट और नेवल नेवी सबमरीन। उसमें मुझे टर्की ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा, पर ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान को एक पायदान आगे मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का ये है ना, पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, जो ज्यादातर एरिया है ना वो कश्मीर ले लद्दाख पंजाब इस साइड में लगता है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से उन्होंने आर्मी सेटअप अपनी करनी है, तो उस हिसाब से उनकी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, जो लोग हैं उस आर्मी में वो ज्यादा है टर्की से ठीक है। और उसके साथ साथ जो टैंक्स वगैरह है, जो हमारे टैंक्स होते हैं या उसमें ज्यादा है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सही सहमत हूँ, उसमें टर्की ज्यादा। अगर दोनों की फाइट होती है तो टर्की भारी पड़ेगा, पर ओवरऑल ये तो आपस में फ्रेंडली कंट्री है। और टर्की में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं और किसी फ्रेंडली रिलेशन की बात नहीं कर रहा, नेक टू नेक ही कर रहा हूँ, वन ऑन वन। अगर पाकिस्तान का टर्की से वन ऑन वन हो, कोई कंट्री बाकी बीच में ना आए, तो टर्की ही उसमें थोड़ा आगे चला जाएगा। पर उसके दुश्मन हमें देखकर उन्होंने बनाया, तो उन्होंने आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से भी यही है कि अगर इक्विपमेंट के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के पास भी ज्यादा है, टर्की के पास भी ज्यादा, पर सबमरीन के हिसाब से मतलब जैसे मतलब नेवी वगैरह इन सब को मुद्दे नजर रखते हुए टर्की ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे।
तो देखिए हम तीनों के लिए यही है कि दोनों आपस में फ्रेंडली कंट्री है, हम नहीं चाहते किसी की आपस में लड़ाई हो। सबसे पहले तो कोई नहीं जाएगा किसी भी कंट्री में, बाकी अगर कोई भी नहीं। इकोनॉमी हमने देखी उनकी 8.5 करोड़ हाँ। लोग हैं और 650 बिलियन इनके 22 करोड़ और 200-300 बिलियन 200 कुछ बिलियन था 287। और मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि पाकिस्तान अपनी रफ्तार से पीछे है अभी अभी, क्योंकि उसको चाहिए कि वो बाहर वाली इंडस्ट्री लाए। वो मैं नहीं कहता अभी रिलेशन कैसे हैं, अपने रिलेशन अच्छे बनाए, जो जो भी काम है वो अच्छे करके उसको इंडस्ट्री अंदर चाहिए और ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। बाकी मैंने सुना है कि ये अपने जो जीडीपी होती है उसका तकरीबन 4% डिफेंस में लगाते हैं और बाकी में वो बाकी डिवाइड, मतलब काफी ज्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं अपने डिफेंस में। इसीलिए उनकी आर्मी है जो कश्मीर वाली साइड की, जो आर्मी की बात कर रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग लगती है। और इंडिया तो मेरे हिसाब से 1.5 से 2% ही लगाता है अपनी जीडीपी का। हाँ हाँ। और हमारा तो तकरीबन 73 बिलियन डॉलर अभी हाल ही में पड़ा है आर्मी का बजट। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर आप हमें कोई और भी वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं हूँ पुतंदर, ये है ओके पाजी, और ये है परवेश। अगर हमसे कोई बात आपकी मिस हो गई हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।